नेचुरली आपको अगर वो बिजनेस करते हैं तो उसके जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। गॉट माय ओके पॉइंट? सर, गॉट इट सर। सर एक और मेरा सवाल है, जैसे कि हमको जो इनकम आएगी वो आएगी डॉलर्स में, और डॉलर्स के हिसाब से आएगी, तो क्या डॉलर जब इंडिया के अंदर आएगा तो टैक्स फ्री होगा? सर ऐसा है, डॉलर पे कोई टैक्स हम नहीं दे पाएंगे, ना कोई लेगा आपसे, क्योंकि डॉलर अकाउंट अलाउड ही नहीं इंडिया में। डेफिनेटली आपको डॉलर अकाउंट को इंडियन करेंसी में चेंज करके अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा। ये जो प्रोविजन होंगे आपके जो ओ वॉलेट है उसमें मेरे हिसाब से ये सारे प्रोविजन होने चाहिए। जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा उसमें से आपको इनकम कितनी है, सारी की सारी आपकी इनकम है, या उसमें से कुछ खर्चे हैं आपके जिनको एडजस्ट करके आप बाकी अपनी नेट इनकम बनाएंगे बैलेंस शीट बना के, तो इनकम जो आपकी निकलेगी साल की उस पे ही आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो भी से जिस रेट के स्लैब्स उस ईयर के लिए आपके केवल हैं। थैंक यू सर। ठीक है, बिल्कुल। सर एक और मेरा अभी पिछले सवाल से ही एक सवाल उठ के आया, जैसे कि टू थाउ जैसे बंदा मेरा पुराना डेट 2019 का है, तो मेरा ये सवाल है जी कि जैसे कहा जाता है कि लास्ट वाला फाउंडर और पहले वाले फाउंडर में कोई अंतर रहे नहीं, क्या सब अपना अपना पैकेज लेंगे, अपना अपना ट्रैफिक रहेगा, तो फिर जी हम इस पे जोर देते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इम्पोर्टेंट है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तक जितनी एमएलएम स्कीम्स हुई ज्वाइनिंग की रेलेवेंस नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग की रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि सर का जो विजन है समझना पड़ेगा आपको। यहाँ थोड़ा जैसे एक बिल्कुल गरीब आदमी की पहली आईडी है, गरीब आदमी के पास $97 देने को नहीं है। आदमी आता है वो जुटता है उसके 10 दिन के बाद। आज तक क्या सिस्टम था वर्ल्ड में, जो पैसे पहले देगा, जो ग्रीन आईडी करेगा उसका नंबर वन हो जाएगा, जो जुड़वा पहले उसका नंबर लास्ट में चला जाएगा जब तक वो अपनी आईडी को फंड नहीं करेगा। पैसे की वजह से कोई जूनियर ना हो इसलिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो डेट है और टाइम स्टैम्प है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ मानो उस पहले व्यक्ति ने जो कि गरीब है 2 साल तक वो पैसा ही अपना स्थानों डॉलर अरेंज नहीं कर पाया, वो 2 साल के बाद कर पाता है, 2 साल में तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, वो जाएगा उससे नहीं। या अगर वो $97 देता है उसका नंबर वन ही पोजीशन रहेगी। ये डेट और टाइम की वैल्यू है और इसकी जरूरत भी थी क्योंकि थैंक यू होता वेरी क्या मच था, सर। अदरवाइज तो ये प्लेटफॉर्म भी वैसा ही होता है जैसे आज तक के ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म चले हैं। भाई पैसे वाले की अहमियत होती है ना, पैसे वालों की अहमियत नहीं होती, यहाँ नहीं है ये। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अमर सर। वेल, बिल्कुल सही आपने कहा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बड़े बखूबी तरीके से आपने एक्सप्लेन करी। मूव करते हैं नेक्स्ट। पंकज जैन जी हमारे बीच मौजूद है। पंकज जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज़ मंच पे आएं। पंकज जैन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल मेरी आ आवाज रही आ रही है, है? नमस्कार बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए सभी को, प्लीज़। नमस्कार। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देने के लिए क्या हमें अलग से सीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा या इनकम टैक्स कट के आएगी? अमर सर, देखिए अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं बताया है कंपनी ने भी, क्या वो आप जो बेस टैक्स कटता है वो काट के देगी इनकम? मेरा ख्याल है नहीं देगी, क्योंकि वो वॉलेट है वो कोई टैक्स काटने का उसमें सिस्टम कंट्री वाइज 210 कंट्री के लिए अलग अलग डिवाइस किया होगा, तो मुझे नहीं मालूम एआई कैसे करेगी। अगर नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं कटा तो क्या होगा? अगर कोई जी आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया आ जाता है इनकम, देखिए पहले समझना चाहूंगा व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम जी टैक्स जो रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये इंडियन सिटीजन इनकम इज टैक्सेबल, ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स, नन एल्स। बट माय पॉइंट ना, जी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके सिवा।
अगर टैक्स आप नहीं देते आप मत दीजिए, अगर चोरी में पकड़े जाएंगे सजा आपको होगी, थर्ड पर्सन को नहीं होगी। इसलिए बेटर है कि जो भी आपका टैक्स बनता वो आप दीजिए, चाहे कोई काटे ना काटे। अगर जो कटा हुआ टैक्स होगा वो आप पहले वाले टोटल टैक्स से घटा के बाकी टैक्स दे सकते हैं, अन्यथा आप दीजिए। धन्यवाद जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन और है, मैक्सिमम कितने रुपए में करंट अकाउंट खुलता है और करंट अकाउंट के लिए क्या गारंटर पर्सन की जरूरत होती है? देखिए, करंट अकाउंट कितने पैसे में खुलता है, 500 रुपए में भी खुलता है, जितने मर्जी में ज्यादा आप खोलो खोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से कि मेट्रो में मिनिमम बैलेंस कितना है। सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट जोन में, मेट्रो है, फिर स्पेशल एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, सेमी अर्बन है, इनके अलग अलग मिनिमम बैलेंस रहते हैं। तो बैंक ये चाहता है कि कम से कम मिनिमम अमाउंट से तो आप अकाउंट खोले। बैंक रिलैक्स कर लेते हैं, $500 में, 500 रुपए में भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो एरिया के हिसाब से होता है। इसमें जहां तक रही कि भाई इसमें ग्रंटर की जरूरत होती है, करंट अकाउंट खोलने के लिए कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। जी 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 सर, थैंक यू सर। लोन लेना तब होती है। जी सर, थैंक यू सर, वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच पंकज जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे बीच में मौजूद है मदन सिंह जी। मैं मदन सिंह जी को पहले लूँ तो मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा जसवीर शिवाज जी और नागा रवि कृष्ण जी से कि वो रेडी रहें। मदन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आएं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार मदन जी, प्लीज। ऑन पैसिव से जुड़े सभी भाई और बहनों को मेरे नमस्कार जी। सर जी, मैंने एक सवाल पूछना था, जो ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए हम स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं ना सर? जी 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 सर, इस पर प्रकाश डालेंगे क्या हम कप स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर जो प्लेयर्स उसमें रहेंगे या उनकी जर्सी स्पॉन्सर कर रहे हैं सर? उस पर प्रकाश डालेंगे। पहली बात तो इसको जो है कंपनी अपने एंड से ही हैंडल करने वाली है और कंपनी अपने एंड से ही इन्फॉर्म करने वाली थी। वो तो एसर ने जो है फ्लो में हमें बता दिया। उन्होंने, अगर आप बैक ऑफिस में देखेंगे तो एक एक बड़ा सा उस पर वो भी लगा है, डिस्क्लेमर भी लगा है कि आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, कंपनी अपने तरीके से शेयर करने वाली है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बात करना चाहेंगे क्योंकि कंपनी जो है इसको अपने तरीके से, जिस भी तरीके से करने वाली है, अपने तरीके से प्रमोट करे, ऑन पैसिव के तरीके से प्रमोट करे, हमारे लिए और कंपनी के लिए ये बेहतर रहेगा। कुछ और जानना चाहेंगे मदन जी? नहीं सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए मदन जी। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जसवीर शिवाज जी की तरफ। जसवीर जी, मैं आपको अनम्यूट करूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नागा पाई कृष्ण जी से कि रेडी रहिए। नागा जी, आपका भी नंबर आने वाला है। जसवीर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आए। जसवीर शिवाज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आइए। जी सर, बोलिए। जसवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जसवीर जी से हम नहीं अभी फिलहाल जुड़ पा रहे हैं, हम दोबारा उनको मंच पे लेंगे। मैं फिलहाल चलते हैं आगे नागा जी की तरफ और नागा जी को मैं बुलाऊं, नागा साईं कृष्ण जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सुरेंद्र राय जी, सुरेंद्र राव जी, सुरेंद्र राव जी, आप भी रेडी रहें, नेक्स्ट आपका नंबर है। नागा साईं कृष्ण जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आइए। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्ते जी, बोलिए सर। सर जी, मैं अभी फिलहाल नाइजीरिया से बात कर रहा हूँ सर। मैं इंडिया आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। पिछले हफ्ते सर जी ने बहुत अच्छा बैंकिंग के बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है सर, और उस समय भी हैंड राइज किया था, मौका नहीं मिल पाया बात करने के लिए। मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हमारे भाई लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी अटेंड करो, चाहे समझे ना समझे, कुछ कुछ बातें तो समझ में आएंगे ऐसे करके, वो कुछ लोग फायदा उठाए होंगे। और मैं जितना सुना था कि कंपनी जो है N90 करके गवर्नमेंट को टैक्स के लिए भेजता है, N99,
और अपन जो वॉलेट में से जो पैसा डालते हैं बैंक में, तभी अपना टैक्स शुरू होता है। तब तक वॉलेट में जब तक है टैक्स ही टैक्स का कोई सवाल ही नहीं होता है। नहीं होती है। जी 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 सर, थैंक यू सर। मैं लोन लेना तब होती है। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच पंकज जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे बीच में मौजूद है मदन सिंह जी। मैं मदन सिंह जी को पहले लूँ तो मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा जसवीर सिवाज जी और नागा रवि कृष्ण जी से कि वो रेडी रहें। मदन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आए। अजय जी नमस्कार। नमस्कार मदन जी, प्लीज स्वागत जी, है ऑन आपका। पैसिव से जुड़े सभी भाई और बहनों को मेरे नमस्कार जी। सर जी, मैंने एक सवाल पूछना था। जो ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए हम स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं ना सर, जी, जी सर, इस पर प्रकाश डालेंगे क्या? हम कप स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर जो प्लेयर्स उसमें रहेंगे या उनकी जर्सी स्पॉन्सर कर रहे हैं देखिए सर, एक्चुअली देखिए, उस पर प्रकाश डालिए। पहली बात तो इसको जो है कंपनी अपने एंड से ही हैंडल करने वाली है, और कंपनी अपने एंड से ही इन्फॉर्म करने वाली थी। वो तो एस सर ने जो है फ्लो में हमें बता दिया उन्होंने। अगर आप बैक ऑफिस में देखेंगे तो एक एक बड़ा सा उस पर वो भी लगा है, डिस्क्लेमर भी लगा है कि आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, कंपनी अपने तरीके से शेयर करने वाली है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बात करना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी जो है इसको अपने तरीके से, जिस भी तरीके से करने वाली है, अपने तरीके से प्रमोट करे, ऑन पैसिव के तरीके से प्रमोट करे। हमारे लिए और कंपनी के लिए ये बेहतर रहेगा। कुछ और जानना चाहेंगे मदन जी? थैंक नहीं सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। यू वेरी मच जुड़ने के लिए मदन जी। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जसवीर सिवाज जी की तरफ। जसवीर जी, मैं आपको अनम्यूट करूं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नागा भाई कृष्ण जी से कि रेडी रहिए। नागा जी, आपका भी नंबर आने वाला है। जसवीर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आए। जसवीर सिवाज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आइए।